अपने किचन में चल रहे हैं ताजे ताजे लौंग लत्ता, घर पे बनाएंगे रक्षाबंधन पे इस तरह से लौंग लत्ता आप लोग बना सकते हैं दोस्तों। बहुत आसान तरीका बनाना, मार्केट जैसे दोस्तों लौंग लत्ता आप घर पे हम बनाने चल रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा आप लोग। नमस्कार दोस्तों, आज चंदे के किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जितने माता ने भी हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले। बगल में लाल घंटी है उसको जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले रेसिपी आप लोग को हमारा मिले। तो जैसे देख रहे थे कि हम कढ़ाई चढ़ाने गए थे आज, तो वीडियो आप लोग को कल छूटेगा वीडियो। आज जैसे देख रहे हैं आप लोग 31 तारीख है, तो वीडियो 1 तारीख को छूटेगा हमारा क्योंकि आज कोई भी वीडियो नहीं छुपा है। तो जैसे देख रहे हैं 2-3 दिन से हमारा तबीयत बहुत ज्यादा खराब था, तो वीडियो कोई भी नहीं बना पा रहे थे हम। आप लोग बार बार कहेंगे भाभी यही बात बोलती है, तबीयत खराब था। जैसे आप लोग देखते थोड़ा सा भी तबीयत ठीक रहता तो वीडियो तुरंत हम बनाते हैं। तो वहां से कढ़ाई चढ़ा के आ रहे थे, बच्चे सब बोले मम्मी लौंग लत्ता लेते आइएगा, तो हम नहीं लाए क्योंकि जैसे कि देखते मक्खी बहुत ज्यादा लौंग लत्ता पे रहती है। चाची जैसे देखते हैं हलवाई दुकान पे रहता है उसमें मक्खी बहुत ज्यादा पड़ी रहती है, इसलिए मार्केट का चीज हम जल्दी नहीं लाना चाहते हैं। तो वहां से क्या किए हैं दोस्तों, जैसे देख रहे हैं आप लोग खोआ लेकर आए हैं यहाँ पर, उसके बाद क्या किया तो लौंग लत्ता हम सोचे कि घर पर बनाएंगे तो सभी लोग खा लेंगे। तो मार्केट का जैसे रहता है तो जैसे देखते हैं हमारे ननद हुए हम हुए हम लोग नहीं खाते हैं बाहरी चीज जल्दी, तो हम सोचे घर पर बनाएंगे तो सभी लोग खा लेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं मैदे ले लिए हैं आप लोग, यहाँ पे खोआ, यहाँ पे देख रहे हैं गढ़ी को हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट ले रहे हैं, और यहाँ पे किशमिश लिए हैं। तो गढ़ी थोड़ा सा ज्यादा हमारा है तो हटा दे रहे हैं। अब इसमें खोए में क्या करेंगे आप सबसे पहले देख रहे हैं कि किशमिश इसमें डाल दे रहे हैं, उसके बाद गढ़ी कटी हुई डाल दे रहे हैं। तो जैसे हलवाई बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम भी बनाएंगे यहाँ पे आज। इसके बाद देख रहे हैं इलायची है, तो इलायची को हम क्या करेंगे छिलके उतार कर इसमें हम डाल देंगे इस तरह। तो जैसे देखते हैं कि जब भी मुंह में लौंग लत्ता खाते हैं तो इलायची का स्वाद आता है, तो बहुत काफी टेस्टी लगता है हमारा लौंग लत्ता जो है, तो इलायची जरूर डालना चाहिए। तो इसमें देख रहे हैं कि हमने, आपके पास काजू बादाम हो तो काजू बादाम भी काट के इसमें डाल सकते हैं आप, यहाँ पे काजू बादाम नहीं डाले हैं। इलायची को सारे छिलके उतार कर इस तरह से हम इसमें डाल दिए हैं। कटेंगे भगोने, इसमें हम बनाएंगे चाशनी को। चाशनी बनाने के लिए जिस भगोने में हम बनाएंगे नाप कर चीनी लेंगे हम, दो गिलास हमने चीनी ले लिया है। अब इसे नाप के हम पानी डालेंगे, दो गिलास चीनी है तो 4 गिलास पानी डालना है हमको। अब चीनी इस तरह से चलाना है आपको, लेकिन नीचे चीनी जलने लगता है। चाशनी हमको 3 मिनट टोटल पकाना है। जैसे जैसे देखते हैं कि कोई तार वाला चाशनी नहीं चाहिए, हल्का जैसे देखते हैं काले जाम के लिए बनाते हैं हम, रसगुल्ले के लिए चाशनी बनाते हैं काले जाम के लिए, उस तरह से हमको चाशनी चाहिए। बस हल्का सा चाशनी हमारा थोड़ा सा हल्का गाढ़ा हो जाए। चल रहा है अभी तक देख रहे हैं कि हम खोए को ले लिए हैं, इसमें हम डालेंगे पीसी हुई चीनी। तो 4 चम्मच इसमें पीसी हुई चीनी हम डाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर खोए में चीनी नहीं था, तो पहले खोए में चीनी रहता है तो नहीं डाला जाता है, तो इसमें नहीं था तो हम डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे, इसको हाथ से अच्छे से मिला दे रहे हैं। तो देख रहे थोड़ी सी मैदे निकाल रहे हैं, मैदे में हम देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे एक चुटकी से देख रहे हैं हमारा 2 चुटकी है, इतने हमको मीठा सोडा इसमें डालना है। मीठे सोडा डालकर अच्छे से मिला लेंगे पहले हम। मिलाने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे हम, 3-4 चम्मच तेल लेंगे, तो आप चम्मच से नाप के भी डाल सकते हैं, इस तरह हाथ से भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आधे नींबू का रस डालेंगे, क्योंकि नींबू का रस डालने से ये रहता है कि हमारा जो चाशनी जमता नहीं है बिल्कुल, अब बिल्कुल अच्छा चाशनी रहता है हमारा, इसमें हम नींबू का रस डाल रहे हैं। तो यहाँ पे आधे टुकड़े हम नींबू ले लिए, इसमें डाल दे रहे हैं। देखिए जैसे आपका कम बेसी चाशनी हो उस तरह से नींबू 1 डेढ़ डाल सकते हैं। चाशनी पक रहा है दोस्तों, तो यहाँ थोड़ा सा कलर डालेंगे, आपको कलर पसंद हो तो डालिए, नहीं मत डालिए। कलर डालने से दोस्तों थोड़ा सा चाशनी और अच्छा लगता है देखने में, लौंग लगता है। अब इसमें देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी पानी डालकर हम डो तैयार करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम आपको जैसे देखते हैं रोटी का डो रहता है,
करना है बिल्कुल उसी तरह से डो इसका तैयार करना है हमको, कि बिल्कुल रोटी जैसे डो हमने यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। तो डो को जितने मसल मसल के चिकना करेंगे उतने अच्छे लौंग लत्ता बनता है आपका। यहाँ पे डो हमने बना के तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा चाशनी बनके बिल्कुल तैयार है, आप लोग देख सकते हैं। तो हल्का हल्का हाथ में चिपचिपा रहा है चाशनी हमारा, तो बिल्कुल बन गया है। तो दोस्तों जैसे देखते हैं कि हम लोग मार्केट में जब लेते हैं तो आधे खोआ रहता है, आधे सूजी भून के डाल देते हैं सब लोग। तो घर पर दोस्तों स्पेशल बना रहे हैं तो बिल्कुल हम खोए के बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए दो मिनट और इसको पकने दे रहे हैं इसी तरह से। इसमें बिल्कुल अंधेरा देख रहे हैं, लाइट भी जलाए हैं। अब मौसम बहुत ज्यादा खराब है, देख रहे हैं फाइबर भी हटा दिए हैं, तभी भी दोस्तों इतना ज्यादा उजाला नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे छोटे छोटे हम गोले इसके पहले बना ले रहे हैं, जैसे पूड़ी के गोले बनाते हैं उस तरह बिल्कुल दोस्तों इसका भी बनाना है हमको। एक बार आपको आटा इस तरह से लगा लेना है। बीच में दोस्तों मोटा रखना है, आरी आपको बिल्कुल पतला कर देना है। अब इस तरह से देखिए दोस्तों ले लिया है। तो पहले इसके चारों तरफ हम पानी लगाएंगे, जैसे बड़े छोटे लौंग लत्ता बनाना चाहते हैं उस तरह से बना सकते हैं आप। अब उसके बीच में देखिए यहाँ पे एक चम्मच हम खोआ रखेंगे। अब इसके बाद देख रहे हैं दोस्तों इस तरह से हमको करना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से मोड़ लिए, अब इसको देख रहे हैं आप इस तरह से हमको बिल्कुल मोड़ना है। इसके साइड इस तरह से दबा देना है। दबाने के बाद जैसे लौंग लत्ता छोटे बड़े आप बनाना चाहते हैं उस तरह से बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखिए लौंग लत्ता के शेप हमारे बहुत काफी अच्छे से आ गया है। अब लौंग लत्ता को क्या करेंगे, इस तरह से हम रखते जाएंगे। लौंग लत्ता को बनाने के बाद लौंग लत्ता में लौंग जरूरी रहता है दोस्तों, तो लौंग हम क्या करेंगे एक खुले यहाँ पे लेंगे और लौंग को इस तरह से हम लगा देंगे। अब लौंग लत्ता बनाकर इस तरह से रखते जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितने काफी अच्छा लौंग लत्ता हमारा बनके तैयार है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से चलिए सारे लौंग लत्ता को हम बना रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे दूसरा भी बना के दिखा रहे हैं, थोड़ी सा बड़ा बना रहे हैं। तो दूसरा भी दोस्तों देखिए यहाँ पे इस तरह से उठाना है आपको और उसके बाद दोस्तों इस तरह से लगा देना है। उसके बाद हाथ से देख रहे हैं इस तरह से हम लगा लेंगे और लगाकर देख रहे हैं कितने अच्छे से लौंग लत्ता हमारा बन के यहाँ पे तैयार हो गया है। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लौंग को लगा देंगे। तो दोस्तों आप लोग ये मत पूछिएगा क्यों आप लौंग लगा रही हैं, लौंग लगता है दोस्तों जैसे रहता है लौंग से बनता है। तो देखिए यहाँ पे लौंग लौंग लगता में लगा दिया, बहुत काफी अच्छा बना है, बड़ा साइज में थोड़ा सा लौंग लगता है। तो चलिए सारे लौंग लगता को बना के मिलते हैं आप लोग से। अब दोस्तों यहाँ पे हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल को नहीं गर्म करना है, मीडियम में गर्म करना है तेल को। देख रहे हैं कि लौंग लत्ता इस तरह से हमारा हुआ है। तो लौंग लत्ता हमने बना लिए हैं, बहुत काफी अच्छे से हमारा लौंग लत्ता बना है। लौंग लत्ता बनाना बहुत आसान है। तो देखिए लौंग लत्ता को हल्का हल्का तेल गरम हमारा है, इसमें लौंग लत्ता को हम डाले लौंग निकाल लेंगे इस तरह से और थोड़ी सा दूर दूर से हमको डालना है। दोस्तों आपको मन करता है तो लौंग ऊपर से बाद में आप डाल सकते हैं इसमें। तो जहां जहां लौंग लत्ता हमारा हो रहा है वहां हम डाल दे रहे हैं। लौंग लत्ता को बिल्कुल मीडियम आंच पे पकाना है, नहीं तो लौंग लत्ता हमारा कच्ची रह जाएगा। तो इस तरह से लौंग लत्ता को हम एक बार थोड़ी सा कर लेंगे दूर दूर। मीडियम आंच पे इसी तरह पकाएंगे। तो लौंग लत्ता यहाँ पे देखिए थोड़ी सा हमारा फूल लगाया था, लौंग लत्ता को हम धीरे धीरे इस तरह से पलट लेंगे लौंग लत्ता को बिल्कुल।
मीठे मार्च में पैका रहे हैं लौंग लता। हम यहाँ पे देख रहे हैं बहुत काफी अच्छे लौंग लता हमारा बन रहा है। कितने काफी अच्छा कलर भी हमारा यहाँ पे आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अंधेरा में दोस्तों जैसे देखते हैं कोई भी कितनी अच्छी चीज बनाई हो जिसका फोटो अच्छा नहीं आता है। अब बिल्कुल इसमें बहुत ज्यादा बादल अंधेरे हैं, पहले बहुत ज्यादा अंधेरे हैं, लाइट के उजाले में भी नहीं सफल हो गया है। वहां पे भी दोस्तों बनाते थे, रूम पे भी तो यही हाल होता था, अंधेरा था। दोस्तों आज अपने किचन में चल रहे हैं लौंग लता बनाने के लिए, तो कैसे आप सब, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लौंग लता अभी खा लीजिए। तो चलिए लौंग लता का एक गीत आप लोग के सुनाते हैं। हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है यहाँ पे, अब क्या करेंगे हम लौंग लता को इसमें डालेंगे। तो लौंग लता हमारा देख रहे हैं थोड़ा सा गर्म है अभी। तो लौंग लता को देखिए इसमें हम इस तरह से डाल दे रहे हैं और डालकर अच्छे से चला देंगे इसको। हम लौंग लता को इसमें दो मिनट छोड़ेंगे जाके चाशनी अच्छे से भिन जाए। तब तक देखिए इधर हमारा लौंग लता बन के तैयार है, इसको भी लौंग लता को हम निकाल ले रहे हैं बाहर। लौंग लता जब थोड़ा सा ठंडा हो जा रहा है तभी इसको चाशनी में डुबाना है आपको। चाशनी हल्का सा गर्म रहना चाहिए। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे हम चाशनी में से निकाल ले रहे हैं और दूसरा जो है इसमें हम डालते जाएंगे। यहाँ पे देखिए लौंग लता हमारा बहुत काफी अच्छे से बन गया है, इसको चाशनी में से हम बाहर निकाल दे रहे हैं और दूसरा इसमें हम डाल दे रहे हैं। देख रहे हैं कि चाशनी को हम जैसे देते हैं, पांच मिनट चाशनी में हम लौंग लता को छोड़ने के बाद से निकाले हैं, बहुत काफी अच्छे लौंग लता हमारा बन गया है। तो इसको भी हम चाशनी में से बाहर निकाल दे रहे हैं। लौंग लता आपका ठंडा रहना चाहिए, चाशनी गर्म रहना चाहिए, तो अच्छे से लौंग लता हमारा बन जाता है। अब पूरे अंदर तक चाशनी बिनता है ना तो लौंग लता हमारा गल जाएगा। जैसे देख रहे हैं कि तुरंत करिए में से निकाल के चाशनी खोल रहा है, तो इसमें नहीं डालना है आपको, हल्का भूनना, गर्म रहना चाहिए चाशनी आपका। ठंडा हो जा रहा है तो हल्का सा गर्म करके उसके बाद डालिए आप। तो दोस्तों यहाँ पे लौंग लता हमारा बन के तैयार है दोस्तों, तो आप लोग भी खा लीजिए। अब बहुत काफी टेस्टी लौंग लता बना है। चलिए फिर नए ब्लॉग साथ मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए नमस्कार।